शहरकात में लूटमार की वारदातों के दौरान शहरियों की जान लेना भी रोज का मामूल बन गया। तारिक रोड पर मुसल्ला मुलजिमान ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान बुजुर्ग शहरी को कत्ल कर दिया। तफसीलात जानेंगे अदनान राजपूत की इस रिपोर्ट में। कराची शहर में लूटमार की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। तारिक रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकुओं ने 65 साल बुजुर्ग शहरी को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मजामत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मकतूल रहमान बाबा सुबह सवेरे मुलाजमत पर आया था। मकतूल दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था कि मुलजिमान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, जहां मजामत और हाथापाई के दौरान एक मुलजिम ने गोली चलाकर मकतूल को कत्ल कर दिया। उसने जैसे आगे पार्क में खड़ी करी, इसके साथ हाथापाई हो गई। उसने बोला मन की फाइल दे दो, उसने नहीं दी। फिर हाथापाई हाथापाई में एकदम चीख की आवाज़ आई, उसने सीधा फायर मार दिया। फायर मार के बाद सीधा दोनों भागे। कोई मोटरसाइकिल पर दो बंदे थे, एक हेलमेट पहना होता, एक बगैर हेलमेट का। किसी ने नहीं, जब वो पता चला जब फायर मारा भागे, उसके बाद सब भागे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार के दौरान मुसल्ला मुजीमान की फायरिंग से 5 शहरी जख्मी हुए। न्यू कराची में नसरुल्ला, दोराजी में हबीब शाह, मंगोपीर में अब्दुल मालिक और नॉर्थ नाजमाबाद में मोहम्मद नईम डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ। अदनान राजपूत, K21 न्यूज, कराची।